फ्रेंड्स गाइज, आज अपन पढ़ेंगे साइकोलॉजी, और साइकोलॉजी के अंदर शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र पढ़ेंगे। फ्रेंड्स क्या पढ़ेंगे? क्षेत्र, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, यानी कि मनोविज्ञान के अंदर कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, ये भी ध्यान रखना जरूरी है। और इसकी शाखाएँ कौन कौन सी है, ठीक है, या फिर शाखाएँ या क्षेत्र बोल सकते हैं इनको, यानी कि यहाँ से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक्का है। फ्रेंड्स चार ऑप्शन बना के दे देगा आपको, और एक ऑप्शन चुनवा लेगा। तो कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से, यूँ क्वेश्चन आ सकता है, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता है फ्रेंड्स। और इसको जरूर देखो, इस वीडियो को समझो। अभिवृद्धि एवं विकास, पहला क्षेत्र है अभिवृद्धि एवं विकास, यानी कि मानव की अभिवृद्धि होती है, ठीक है। बाहरी तरीके से उसको देखा परखा जा सकता है, मापन किया जा सकता है, और विकास आंतरिक होता है, ये जरूर ध्यान रखना। यानी कि विकास, जब कोई बालक है और धीरे धीरे बड़ा होगा तो उसको समझ आएगी, समझ से वो कुछ काम करेगा, है ना, सीखेगा, है ना, यानी कि उसके अंदर परिवर्तन आएंगे, सीखने के वो उठेगा बैठेगा चलेगा दौड़ेगा साइकिल सीखेगा, यानी कि उसके अंदर विकास आया। और अभिवृद्धि यानी कि शरीर, जो बॉडी है, तो उस बॉडी को वो फैलाएगा, उसकी लंबाई बढ़ेगी, ठीक है, गर्दन हाथ पैर लंबे होंगे, दांत आ जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अभिवृद्धि, यानी कि अभिवृद्धि को मापन किया जा सकता है बाहरी तरीके से। अब अधिगम की बात करते हैं, तो इसको मेन पार्ट इसी में पढ़ेंगे अपने, विकास अभिवृद्धि को अच्छी तरीके से। अधिगम की बात करते हैं, तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना, यानी कि सीखना मानव का सर्वप्रथम पहलू है, यानी कि लर्निंग जिसे बोलते हैं। तो ये विशेष अलग से चैप्टर है इसका, तो इसको अच्छे तरह से विश्लेषण करेंगे अधिगम लर्निंग। व्यक्तित्व की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो व्यक्तित्व अपने क्या है, पर्सनैलिटी क्या है, है ना, यानी कि मुखौटा, है ना, तो उसको पढ़ेंगे अच्छे से। और बुद्धि की बात करते हैं, तो अपने जो मस्तिष्क होता है वही बुद्धि होती है, उसको भी अच्छे तरह से पढ़ेंगे इसके अंदर। बीन साइमन परीक्षण, कई सारी प्रकार दिए बुद्धि के, मॉडल दिए, है ना, कई सारी परिभाषाएँ हैं अलग अलग वैज्ञानिकों ने। एक होती है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग विभिन्नता होती है फ्रेंड्स, किसी में टीचर बनने की, किसी में इंजीनियर बनने की, किसी में वाचन बनने की, कवि बनने की, तो यानी कि अलग अलग विभिन्नता होती है, ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका भी चैप्टर अलग से है। उसके बाद में मापन एवं मूल्यांकन, यानी कि अपन इसमें, जैसे कि मान लो आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करते वक्त आपका एक मापन होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए कि आप कितने नंबर ला रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, और आपके अंदर कौन कौन सी विशेषता है, है ना, तो वो भी इसके अंदर मूल्यांकन के अंदर पढ़ेंगे, यानी कि आप श्रेष्ठ हो या प्रतिभाशाली हो, इस तरह के इसमें पढ़ेंगे। एक आती है शिक्षा शास्त्र एवं विद्यालय एवं उसका वातावरण, ठीक है, शिक्षा शास्त्र अच्छे तरह से इसमें पढ़ेंगे, और विद्यालय पढ़ेंगे, और उसका वातावरण, ये सब साइकोलॉजी के क्षेत्र। और एक आती है सांख्यिकी, ये मैथ्स में चलती है अधिकतर, और सांख्यिक भी इसी के अंदर है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थे अपने मनोविज्ञान के क्षेत्र। सांख्यिक के अंदर वैसे देखा जाए तो स्टैटिस्टिक्स जो बोलते हैं अपन, वो आती है। तो मिलते हैं दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और इसी तरह के मैं वीडियो लाता रहता हूँ, और इस एग्ज़ाम की तैयारी आप बेटर तरीके से करिए। और मिलते हैं, इस चैप्टरों में क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह से प्यार बनाते रहिए, और लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।